कर्नाटक में जिस तर्ज पर सरकार गिराई गई और भाजपा का बहुमत बनाया गया, वही मध्य प्रदेश में भी दोहराया गया। जब मध्य प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था और उस समय केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की साजिश कर रही थी और इसीलिए लॉकडाउन तक को टाला गया ताकि मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाए, फिर उसके बाद राष्ट्र देश में लॉकडाउन लागू किया जाए। मतभेदों के लिए को सुलझाने के लिए आप धन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, आप सत्ता बल का निर्मम प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई ऐसा अवसर नहीं चूकना चाहते जिससे कांग्रेस कमजोर हो। दोस्तों, मैं आज आप सब से हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी पर बात करना चाहता हूं। आज लोकतंत्र बचाओ एक सर्वस्वीकार्य मुहिम के रूप में संचालित करने की आवश्यकता पड़ गई। हमारे वेदों ने हमको लोकतांत्रिक पद्धति सिखाई और देश की आजादी ने हमको संसदीय लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया और अनंत गत्वा स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया और देश संसदीय लोकतंत्र के साथ दुनिया के लिए उदाहरण बना। आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो विपक्ष को नष्ट कर देना चाहते हैं, वो विरोध की हर आवाज को दबा देना चाहते हैं, वो हर उस स्वर को कुचल देना चाहते हैं जो स्वर उनकी गलतियों को इंगित करने का काम कर रहा है, उस पर अपनी बात कह रहा है। आखिर लोकतंत्र के संरक्षक तो भारत की जनता है, इसलिए आज कांग्रेस हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के साथ आपके दरबार में आई है, आपके पास आई है। जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय लोकतंत्र के कुछ बचे खुचे भी नॉर्म्स यदि बाकी रह गए हैं तो उनको वहां गड्ढे में दफन करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, कैबिनेट को अधिकार है कि वो कभी भी संसद सत्र आहूत करने का महामहिम राज्यपाल से अनुरोध कर सकती है, लेकिन कौन है जो महामहिम राज्यपाल को राजस्थान विधानसभा के विधानसभा सत्र को आहूत करने से रोक रहा है? तो बधाई देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी ने इस बिंदु पर बहुत दृढ़ता से अपनी बात कही है और जो उन्होंने ये विनिश्चय किया है कि हम प्रधानमंत्री आवास पर भी आवश्यकता पड़ेगी तो धरना देंगे। हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ हैं इस संघर्ष में। आप किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए धन बल का उपयोग, अब सीबीआई से लेकर के ईडी, इनकम टैक्स, सीआईबी, सारी जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं विपक्ष को नष्ट करो, विपक्ष के नेतृत्व को नष्ट करो, इस काम में लग गई है। राजस्थान में नग्न रूप से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की छापेमारियां हो रही हैं वो इस संदेश को साफ साफ दे रही है और जो संदेह लोगों के मन में है कि केंद्र सरकार एन केन प्रकार अशोक गहलोत जी की सरकार को गिरा देना चाहती है, उसकी पुष्टि हो रही है। और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, अरुणाचल में ये सिलसिला प्रारंभ किया गया था।
उत्तराखंड में उस प्रयोग को दोहराया गया था, सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय ने उत्तराखंड में लोकतंत्र बचाया, एक सबक सिखाया केंद्र की सत्ता को, भले ही उसका आज भी मुझे परिणाम भुगतना पड़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ी देर के लिए सत्ता की ज्यादतियां रुकी, मगर कर्नाटक से फिर से सिलसिला शुरू कर दिया गया। कर्नाटक में जिस तर्ज पर सरकार गिराई गई और भाजपा का बहुमत बनाया गया, वही मध्य प्रदेश में भी दोहराया गया। जब मध्य प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था और उस समय केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की साजिश कर रही थी, और इसीलिए लॉकडाउन तक को टाला गया ताकि मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाए, फिर उसके बाद राष्ट्र देश में लॉकडाउन लागू किया जाए। हिस्सा सबने देखा, आप सबने। अब वही तरीका राजस्थान में भी दोहराया जा रहा है। कई लोग हमसे सवाल करते हैं, पार्टियों के अंदर ही हमेशा न्याय खोजना पड़ता है। हमने पार्टी के अंदर एक मैकेनिज्म खड़ा किया है और उसके तहत हम अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे, लेकिन हमारे मतभेदों के लिए कुछ सुलझाने के लिए आप धन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, आप सत्ताबल का निर्मम प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई ऐसा अवसर नहीं चूकना चाहते जिससे कांग्रेस कमजोर हो। ये कांग्रेस देश की आजादी की पार्टी है। हम यदि अंग्रेजों से लड़े हैं तो फिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी लड़ेंगे, और इसलिए मैं आप सब का आह्वान करना चाहता हूं कि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि वो आए और लोकतंत्र बचाओ की इस मुहिम में हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के लिए बात करें। लोगों से मोहल्ले में बोलें, गलियों में बोलें, गांव में बोलें, जहां कहीं आप हैं अपने कर्म स्थान पर आप वहां बोलें। जय हिंद।